हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले फिर से एक बार पोको X3। इसमें दरअसल प्रॉब्लम ये है, ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो देख लीजिए, बैटरी भी ओके है। उसके बाद हमने पूरी सीपीयू की लाइन चेक करी, तो सीपीयू की लाइन जो है वोल्टेज नहीं बता रही है। तो मैं आपको डिस्प्ले में बता दूंगा सीपीयू की लाइन कैसे किस तरीके की रहती है। तो अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए डालना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी फ़ोन रिपेयर कराना है, मॉडल कोई भी रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमने UFS चिप को टेप लगा दिया है, तो अभी हम इसे धीरे धीरे ब्लेड अंदर डालेंगे। देख लीजिए, हमारा प्रोसेसर जो है वो निकल चुका है। अब बारी आ जाती है नीट एंड क्लीन करने की। एक बार और हम डिसोल्डिंग वायर की मदद से इसे क्लीन कर लेंगे। देख लीजिए, हमारा ये क्लीन हो चुका है मदरबोर्ड। थोड़ा प्रोसेसर का हमें ग्लू रिमूव करना है, तो ये टूल की मदद से हम हीट मार के ग्लू रिमूव कर रहे हैं। अब आ जाती है बारी हमारा सीपीयू रिवॉल्व करने की। तो हम फटाफट इसका सीपीयू रिवॉल्व कर लेते हैं। अब हीट मार लेना है हमें, पेस्ट लगा के थोड़ा हीट मार देते हैं। कहीं शॉर्ट है, वो शॉर्टिंग निकाल दी है हमने। पेस्ट लगा के हिट मारने से गाइस होगा ये कि जो बॉल प्रॉपर नहीं होंगे, प्रॉपर अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो हमने आईसी का नॉइज़ ही, तो हमने वहीं रखना है आईसी को नॉइज़ और हिट मार देना है। तो देख लीजिए, बस सीपीयू हमारा जो है बैठने ही वाला है। देख लीजिए, हल्का हल्का पेस्ट बाहर आ चुका है। तो ये प्रोसेसर हमारा बैठ चुका है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्योंकि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। तो ये प्रोसेसर लग चुका है अब हमारा। हम थोड़ा देख लीजिए, फाइनली गाइस हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो देखना है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।